सिरसा के चौधरी देवीलाल टाउट पार्क में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर आज उनकी प्रतिमा पर पुष्प कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह और जेजेपी संरक्षक अजय सिंह चौटाला ने ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना का भी ख्याल रखा गया। चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर हर वर्ष सर्वधर्म प्रार्थना व अन्य श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस वर्ष लॉकडाउन के चलते श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन नहीं किया गया। देखो, किसानों के आम पब्लिक के बहुत वो मसीहा थे, लोगों का अपने समय में बहुत अच्छा किया। उनका कोई सबसे बड़ी जीवन की उनकी उपलब्धि है कि कोई उनका विरोधी नहीं था, और उन्होंने जो रास्ते दिखाए हैं, जो पेंशन का मामला था पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट फॉलो करिए, सबसे पहले उन्होंने ईजाद किया। जो किसानों के कर्जे माफ़ करने का मामला था, सबसे पहले उन्होंने चलाया, तो किसानों के लिए तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और हरियाणा के लिए तो उनका बहुत बड़ा रोल है। हरियाणा के निर्माता ही वो थे, तो मेरे तो चलो पिता हैं, वैसे भी लोग भी उन्हें सारे ही हिंदुस्तान के लोग उन्हें अपना ताऊ कह के मानते थे, सबके मन में उनके लिए बहुत श्रद्धा थी। श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए हैं, और पूरे प्रदेश में यही आह्वान लोगों से था भी जहाँ पे उनके स्टैचूज हैं उनको साफ सफाई करके उस पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करो और गैप बना के रखो, किसी तरीके से कोई असुविधा ना प्रशासन को हो ना लोगों को हो, और यही हम मेंटेन कर रहे हैं। सब निरंतर पार्टी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को कोष भी भेंट किया, 51 लाख रुपए की राशि दे के आए, और हमारे जितने भी सेल्स हैं, खास तौर पे एक्स सर्विसमैन सेल जो पुलिस प्रशासन के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके हर तरीके से मदद करने का काम कर रहा है, और हम खुले दिल से कह रहे हैं कि किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी आवश्यकता हो किसी तरह की, उसको नंबर भी दिए हैं, वो हमारे नंबर पे कॉल करे, हम उसे सुविधाएं मुहैया करवाने का काम करें। देखो, बहुत सब मिलकर के पूरा देश आज इस लड़ाई के खिलाफ संगठित होकर के लड़ रहा है, इसी वजह से आज हम उन डेवलप कंट्रीज से भी कहीं सेफ हैं, इस वजह से हैं कि हम यूनाइट होकर लड़ रहे हैं, और यूनाइट होकर के ही कोई लड़ाई जीती जा सकती है। देखो, बंद के रहना तो बहुत मुश्किल होता है, इधर उधर ज़रूरत के लिए दूसरे सामानों के लिए भी जाना पड़ता है, तो प्रिकॉशन रखें, डिस्टेंस बना करके रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए डॉक्टर्स से कंसल्ट करें।